在我们班里，阿吉斯塔尔巴和穆德玛，今天我们的这个 program， 这个 title 是“社会友好中，穆斯林女性的教育需求”，这个我们可以说在我们的语言里面说的。معاشرے کی اصلاح اور ترقی میں مسلم خواتین کی تعلیم کی ضرورت اہمیت آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ وہ 50% عورتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور معاشرے کے 50% میں مرد حضرات ہوتے ہیں گویا یہ پورا معاشرہ 50% کے دو اجزاء مرد اور عورت سے چلتا ہے یا بنتا ہے اگر اس معاشرے میں کوئی ایک حصہ کمزور ہو چاہے جس میدان تو وہ معاشرہ چل نہیں سکتا जैसे गाड़ी होती है उसके दो पहिए होते हैं अगर एक पहिया पंक्चर हो या उसमें हवा कम हो तो आप क्या समझते हैं कि मंजिल पर पहुंचना आसान होगा बताएं नहीं होगा ये तो हो सकता है कि एक पहिया आगे हो एक पहिया पीछे हो यानी किसी का मर्तबा थोड़ा बड़ा हो किसी का छोटा हो यह हो सकता है लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक तो बिल्कुल मफलूज हो बेकार हो डैमेज हो या कमजोर हो और फिर वो सोसाइटी वो गाड़ी चल सके यही वजह है कि हम और आप जिस मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब में पहले दिन से تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا گیا خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں اس کے لیے ہماری پوری تاریخ پڑی ہے کچھ باتیں کچھ واقعات کچھ احادیث کچھ آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کروں گا کتنی اہم اور کتنی سخت ضرورت ہے کہ ہماری خواتین ہماری بچیاں وہ تعلیم میں آگے جائیں اور اپنا رول پلے کریں دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اس کا کیا مطلب ہے مطلب بتا بہت اچھا علم کا حاصل کرنا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر ہر مسلمان میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے بچہ بھی ہے مسلمان بھی ہے کوئی بھی ہے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے صحابہ کرام بچپن سے نہیں پڑھے تھے اسلام صحابہ کرام کم پڑھے تھے کوئی جوانی کوئی جو مسلمان ہوئے ہوتے تبھی نہ پڑھا ہوگا اسلام کو کسی نے بڑھاپے میں پڑھا کسی نے جوانی میں پڑھا کسی نے بالکل آخری وقت میں پڑھا تو اس طرح سے ہم کو جو ہے موٹیویٹ کیا گیا کہ علم جو ہے ہر طرح سے حاصل کرنا ہے ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو یعنی آپ کو ہر عمر میں ہر وقت علم حاصل کرنا ہے اس کے بغیر چارہ نہیں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اس کا کیا مطلب ہے نہیں ہے برابر برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو علم والے جو جانکاری رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو جانکاری نہیں رکھتے لا يعلمون اور لا يعلمون جانکاری رکھنے والے اور جانکاری نہ رکھنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے کہا
ये नहीं कहा है कि मर्द हजरा सुनिए, इसे कहा है। उसी कुरान मजीद में एक जगह यह फरमाया गया सूरह फातिर में, इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से हकीकत में वही लोग डरते हैं जो इल्म वाले हैं। उलमा आलिम की जमात, आलिम कहते हैं जानकार, जानने वाले, नॉलेज जो एजुकेट, तो ऐसे लोग ही अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। आपको किसी चीज के, जैसे बच्चा होता है, उस बच्चे को आग के बारे में नहीं पता होता, सांप के बारे में नहीं पता होता। अगर एक छोटे से बच्चे के सामने सांप गुजरे तो बच्चा क्या करेगा, डर के चिल्लाएगा, वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, सोचेगा कोई खिलौना है, क्योंकि वो उसके बारे में नहीं जानता। तो जब तक हम अपने परवरदिगार के बारे में नहीं जानेंगे, अपने खालिक को मालिक के बारे में नहीं जानेंगे, कोई भी इंसान खासतौर से हमारी औरतें अगर वो नहीं जानेंगी अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, अल्लाह के दीन के बारे में, माशरे के बारे में, कैसे वो डरेंगी, कैसे वो उसका लिहाज रखेंगे। आदमी लिहाज तभी रखता है जब डरता है, जब किसी का डर खौफ ना हो तो क्या लिहाज रखे, कोई लिहाज नहीं रखे। तो इतनी अहम चीज इस्लाम को प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में ख्वातीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। अहादीस की किताबें आपने देखा सुना पढ़ा होगा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन्होंने अहादीस का बेशतर ज़खीरा मुंतकिल किया है उम्मत को। ये खातून है, मुहातिम मोमिनीन में से हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। हजरत आयशा की खिदमात आपको पढ़नी चाहिए और उससे अपने अंदर एनर्जी, ताकत पैदा करने की जरूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते में एक दिन ख्वातीन के लिए मखसूस कर रखा था, जिसमें सिर्फ ख्वातीन से आप बात करते थे। कोई भी अलग बड़ा प्रोग्राम होता था उसमें बुलाते थे। जैसे भी इंतजाम उस वक्त के थे, उस वक्त आए गए कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, माइक नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी, तो मजबूरन उनको बुलाना पड़ता था कि वो मसाजिद में भी आ जाए, गांव में भी चली जाए और बात को सुने। वरना आप जानते हैं ये औरतों की मस्जिद सबसे बेहतरीन मस्जिद औरतों की कहाँ है, घर। तो बेहतरीन जो चीज होगी वहां अजर ज्यादा होगा, लेकिन वहां उस वक्त जरूरत थी कि दीन कैसे इनको बताया जाए। आज तो अलहमदिल्ला मोबाइल है, रिकॉर्डिंग हो करके भी आ जाती है चीजें, है ना, इल्म भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अगर जरूरत होती है तो बुलाया जा सकता है, कोई हरत नहीं, जिससे आज आप लोग यहां बैठे हैं। तो बड़े खिदमात हैं। तो अब अगर हम इस बारे में अवेयर नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, बेदार नहीं हुए, लोगों को बेदार नहीं किया, तो हमारा ये मुआशरा बेहतरीन तरीके से नहीं चल सकता। कहा जाता है कि मुआशरा बिगड़ता है रस्म और रिवाज से, गैर जरूरी बातचीत से, मुआशरा बिगड़ता है जुबान से, मुआशरा बिगड़ता है बद अखलाकी से, बद किरदारी से, इसी तरह बिगड़ता है। तो इस मामले में मर्द हजरात भी जहां पेश पेश हैं, हमारे ख्वातीन का बहुत अहम रोल है रस्म और रिवाज को फैलाने। कहते हैं कि रस्म और रिवाज की आबियाई, उसका पालन पोषण हमारे ख्वातीन करते हैं, करती है ना, कोई गलत बात नहीं है। क्यों करती है, क्योंकि उन्हें हकीकत का इदराक नहीं है, हकीकत का सही इल्म नहीं है। इस वजह से वो समझती हैं कि ये जिंदगी हमारी इन्हीं सब चीजों के करने का नाम है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर कैसा माशरा, कैसी शादी, कैसा मरण नियम, मरने पर वाबिला ना हो,
शादी में धूम धमाका ना हो तो फिर कैसा समाचार। तो उनके ध्यान में ये चीज होती है। और जब इल्म रहेगा अपने रसूल की सीरत का मताला रहेगा, अपने अपने ख्वातीन का मताला रहेगा जो पहले की रही हैं, तो फिर आदमी बिल्कुल नॉर्मल होकर के उन्हें गुजारेगा। उसकी जुबान से लोगों के लिए बुराइयां नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दो ख्वातीन का जिक्र हुआ, ये बड़ी मशहूर रिवायत है जो अक्सर सुनाई जाती है। एक खातून के बारे में कहा गया कि वो बहुत कम इबादत करती हैं, कम से मुराद फराइज अदा कर लेती, साल में एक महीने रोजे रख लिए, दिन भर में पांच वक्त नमाजें पढ़ ली, ज़कात दे ली, फराइज नवाफिल वगैरह में बहुत ज्यादा इहतमाम नहीं है, लेकिन उसकी जुबान से उसके मोहल्ले वाले बड़ा खुश रहते हैं। बड़ी मीठी बात करती है, प्यारी बात करती है, कारामद बात करती है, लोगों के दुख दर्द में मलहम का काम करती है उसकी बातें। तो आपने कहा कि फिर जन्नत, वो जन्नत में जाएगी। उसी मजलिस में एक पीड़ित मोहल्ले के लोगों ने अपने फातिन के बारे में, खातून के बारे में बताया कि बड़ी इबादत गुजार है, नवाफिल में बहुत पढ़ती है, हाथ में तस्बीहात हर वक्त रहती है, लेकिन उनकी जुबान से कोई महफूज नहीं है। शिकवा शिकायत बुरा भला लान तान वगैरह वगैरह आपने कहा ना, वो जहन्नम में जाएगी, यानी उसको जहन्नम से गुजरना पड़ सकता है ऐसी वक्त। तो हम क्यों जो है खाम खा थोड़े से टेस्ट के लिए, मदद तो आता है किसी की बुराई करना हो, गिबत करनी हो, चोरी करनी हो तो अच्छा तो लगता है, लेकिन थोड़ी सी अच्छाई के लिए एक लंबी सजा भुगतनी हो तो हम समझते हैं कि अकलमंदी का बिल्कुल सौदा नहीं है। तो बहुत ज्यादा बातें मुझे नहीं करनी है, आप अपनी अपनी बात रखेंगे इस मौजू पर, क्योंकि आपको ज्यादा समझना है, सीखना है और लोगों तक बात पहुंचानी है। मैंने इत्तेदान या इत्तेदाहिया के तौर पर चंद बुनियादी बातें आपके जिले में डाल दी हैं ताकि इस मसले पर आप बेदार रहें और मुआशरे में एक अच्छा रोल प्ले करें, मुआशरे में बिगाड़ ना हो। इल्म रहेगा तो नस्लें बेहतरीन तैयार होंगी, हमारी नस्लें जब अच्छी तैयार होंगी। आजकल देखिए सोशल मीडिया पे कुछ बातें लोग ऐसे भी जाते हैं कि फसाद हो जाता है, लोग एक दूसरे को गोलियां मार देते हैं। अभी कल हमने पढ़ा जो है कि किसी ने मजहबी पोस्ट कर दी किसी दूसरे मजहब के बारे में, सामने वाले को गोली मार दी, ये सब क्या है? अच्छी तरबियत ना होने का नतीजा। अगर अच्छी तरबियत हो उन्हें बताया जा सकता है, उन्हें सिखाया जा सकता है कि बेटा तुमको आगे तो बढ़ना है, लेकिन किसी की लाश पढ़कर नहीं आगे बढ़ना, किसी को रुसवा करके नहीं आगे बढ़ना। तुम्हें इज्जतदार बनना है, लेकिन किसी को जलील करके इज्जतदार नहीं बनना है, बल्कि अपनी इज्जत बढ़ानी। ये सारी चीजें तालीम से जुड़ी हुई है और इकरा से हम इब्तदा हुई है। तो मुझे आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप इस काम को अपने समाज में फैलाएं। ये चंद बातें थी।